नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंस्टा फीड में। मैं हूं दीपाक्षी शर्मा। ये नजर डालते हैं देश दुनिया और बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों पर रफ्तार से। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के सातवें दिन काफी कुछ होता हुआ नजर आया। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी, वह सुशांत की हत्यारी है। जांच एजेंसी को रिया और उसके साथी को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए। वहीं रिया के पिता को ईडी की चिट्ठी देने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची। अनुष्का शर्मा विराट कोहली माता पिता बनने वाले हैं। विराट ने अनुष्का के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए दी। पोस्ट को शेयर करते हुए कोहली ने लिखा कि जनवरी 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। इसके बाद सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देना शुरू कर दी। सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों का खुलकर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सुशांत डर के चलते फ्लाइट पर बैठने से पहले मोडाफिनिल नाम की एक दवाई लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोप की ट्रिप के दौरान वो 3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकले थे। SC ST OBC के अंदर एक नई कैटेगरी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा। इस मामले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाने का फैसला किया है। भारत और चीन के बीच के विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रखते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच 1962 युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि पार्टी को अपने ही लोगों पर नहीं बल्कि बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। ये बयान उनकी ओर से यूपी के लखीमपुरी के जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जितेन्द्र प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नहीं चाहते हैं कि किसी एक समुदाय पर कोरोना फैलाने का आरोप लगे। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही है। एक बार फिर से चीन की ओर से दक्षिण सागर में मिसाइल दागकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस बात की जानकारी चीन के एक अखबार ने दी है। उसके मुताबिक चीन ने 2 मिसाइलों को दागा है। ऐसे करने के पीछे का मकसद अमेरिका को डराना और चेतावनी देना है। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन गंभीर होता चला जा रहा है। इस पर अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उनसे परीक्षा स्थगित कराने का अनुरोध किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी लोगों को दी है। साथ ही बताया है कि उनका इलाज अभी चल रहा है। इंस्टाफीड